नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मुरैना जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर का आज मेहगांव में भव्य स्वागत हुआ। आरती गुर्जर मेहगांव की रहने वाली हैं। मुरैना की जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर करीब 50 गाड़ियों काफिले के साथ मेहगांव पहुंची। मिंडी के मेहगांव की भागीरथ गुर्जर और परिया की पुत्र वधु आरती गुर्जर पत्नी आकाश गुर्जर का गर्मजोशी से गुर्जर समाज नहीं बल्कि सारे मेहगांव नगर वासियों एवं माल्याओं ने भी मेहगांव नगर की बहू होने के नाते बढ़ चढ़ कर स्वागत किया एवं लड्डुओं से तिलादन किया। मुरैना के बथपुरा में कन्हैयालाल गुर्जर की पुत्री आरती गुर्जर ने बीकॉम मुरैना के कॉलेज से की और 18 फरवरी 2022 को मेहगांव के कामर परिवार भागीरथ गुर्जर के पुत्र आकाश गुर्जर से शादी हुई। 22 साल की उम्र में ही राजनीति में भाग लेकर मुरैना से चुनाव लड़ी और बन गई जिला पंचायत अध्यक्ष। बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज, एस के गुर्जर, डॉक्टर गुलाब सिंह करार, बिंड राज्य मंत्री ओ पी एस भदौरिया, राजेंद्र सिंह कैलारस, हरिओम गुर्जर, अजमेर गुर्जर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मेहगांव जगदीश गुर्जर, राम कुमार भदौरिया आदि सभी बीजेपी नेताओं ने इस अवसर पर उनका स्वागत किया। भिंड से खबर हरपल के लिए प्रेमनयन शर्मा की खबर। आरती मुरैना से आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आई हैं, आपका बहुत बहुत TV24 में आपका स्वागत है। आप बताएं, जरा सी उम्र में आपने जो है इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, आपका क्या विचार है? ये उपलब्धि हासिल करने का मेरी क्षेत्र की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भरपूर सहयोग दिया, उन सभी का आशीर्वाद मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आपने ये राजनीति में किस विचार से आपने कदम बढ़ाया? मेरा मोटिव लोगों की सेवा करना था, तो मेरी लोगों ने बोला कि आप राजनीति में जाइए तभी आप सेवा कर पाएंगे, इस राजनीति में आना हुआ। आपने राजनीति कहाँ से जी सीखी थी, कहाँ से आपको उपलब्धि मिली थी? मेरे पापा गांव के सरपंच रहे हैं, उन्हीं से थोड़ा बहुत अनुभव आया है। कितना अनुभव आपने कर लिया जो आपने इतना हौसला बुलंद करके आपने जो है जिला पंचायत की जो है एक इतने बड़े जिले की जो है आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है? लोगों की सेवाएं, उनके लिए आवाज़, उनके क्षेत्र की जनता के जो कष्ट दूर करना, ये मेरी। अब आपके क्या विचार हैं आगे? अब मेरे विचार यही हैं कि मैं उनकी जो जनता, क्षेत्र की जनता ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा पाऊँ, यही मेरे विचार रहे। आप जिला पंचायत की जो है एक अध्यक्ष बनी है, आपने जनता के लिए क्या आपने क्या विचार सोचे हैं? शिक्षा, उनको जो बेटियां आगे बढ़ पा रही हैं, पढ़ने लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको शिक्षाएं दी जाएं, उन जो आवास, जो गरीब हैं उनको आवास दिलाया जाए, जो पानी नहीं है उनको पानी दिया जाए, पानी की उपलब्धि कराई जाए, तो ये मेरी क्षेत्र की जनता के लिए करा पाऊँ। ज़्यादातर सरपंचों में देखा है कि भ्रष्टाखोरी जो है ज़्यादा चलती है, इस पर आपके क्या विचार है? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। भ्रष्टाखोरी को आप मुक्त कराएंगे? जी, भ्रष्टाचारी में मेरे हिसाब से मुक्त करानी चाहिए और मैं कोशिश यही रही कि भ्रष्टाचारी से नष्ट करा पाऊँ। आरती के पति से मैं आकाश जी से पूछना चाहूँगा, आपके क्या सुविचार हैं, क्या इनका आप सहयोग करेंगे भरपूर के नहीं करेंगे? मेरा भरपूर सहयोग रहेगा इसमें। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना जितना अनुभव हो पाएगा और अपना जितना कोशिश करूँगा, पूरा काम करूँगा जनता को भला हो सके। और मेरी ये आप बता रहे थे भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करूंगा, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर, तो मैंने देखा भ्रष्टाचार कितना होता है और मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा पूरा खत्म हो। सरपंच में भी देखा है कैसे होता है, तो बस यही है। और लोगों को शिक्षित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता ही होगी, और दूसरा प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य होगी, और महिलाओं की सुरक्षा मुरैना में बहुत जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है, तो हम इस पर पूरा काम करें। आपके मुरैना क्षेत्र में मैंने कई गाँव देखे हैं, उसमें जो है शिक्षा का अभाव कम है।